हेलो, मैं हूं नम्रता, इंडियन यूट्यूबर, आपकी दोस्त जो आपकी जिंदगी को रंगों से भर देगी। मैं आपके लिए कुकिंग, गार्डनिंग, क्रिएटिव क्राफ्ट आइडियाज, जो घर को सजाए, और बेबीज के केयरिंग टिप्स के वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को क्लिक करे ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थोड़ा सा चल के दिखाए। और ये दिस इज माय फर्स्ट हॉल वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो बिना देरी करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो मैं एक प्रमोशन वीडियो नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैंने खरीदा है तो मैं आपके साथ उसका रिव्यू दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम तो देख लेते हैं, सबसे पहले एक नाइट ड्रेस है, प्यू का नाइट ड्रेस, इस कलर का, प्राइस 280 लिखा हुआ था। तो इसको कितने में लिया है मैं आपको बता रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन पे या फिर यहाँ पर कहीं दे दूँगी। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करके देखते हैं क्या है। तो ये 2 से 3 साल के बेबी के लिए है ये ड्रेस। तो मेरी बेबी का ईयर 2 साल का है, तो मैं उसके लिए गर्मियों के लिए एक नाइट ड्रेस ली हूँ। देख रहे हैं, कुछ लाइट ग्रीन कलर का है, उसमें बना हुआ है अनारस, ठीक है। और रुको रुको एक सेकंड बेटा। और ये पैंट इसके साथ है, तो ये ड्रेस और ये पैंट। मैंने प्यू को भी पहना के दिखाया है, तो मैं आपको साइड में कहीं पे वीडियो लगा दूंगी, तो आप देख लीजिए। तो ये सेकंड है जिसमें 3 जो गेंजी होता है ना बच्चों का, स्लीवलेस वाली, वो है। तो इस गर्मियों की वजह से मैंने सारा ये सब गर्मियों के लिए खरीदा है। तो ये 3 सेट का है। तो ये मुझे मार्क प्राइस इसका 549 है, तो मुझे 400 समथिंग में इसे मिल गया था। तो ये सारे प्रोडक्ट कॉटन के ही हैं, पहले वाला भी जो मैंने आपको दिखाया था वो कॉटन का प्रोडक्ट है। तो इसमें 3 बनियान है दिया है, देख पा रहे हैं इसका कलर ऐसा कुछ है, ऐसा स्लीवलेस टाइप का है। तो गर्मियों में अभी ये सब घर पे पहनने के लिए ठीक है, तो मैं ऐसे ही देखेंगे। मेरे भी ऐसे भी बहुत सारे पहले भी मैंने खरीदा है, 3 साल के ही है उम्र के। तो ये एक है, और सेकंड है एक पिंक कलर का लाइन लाइन, ये भी कॉटन का है। तो बहुत पतला है, मतलब आरामदायक है। तो मैंने इससे पहले जो प्रोडक्ट ऐसे गेंजी का खरीदे थे ना, वो थोड़ा से मोटे थे, बट 549 में थोड़ा सा महंगा हुआ है, बट ठीक है, देखते हैं। इसको अब धोना पड़ेगा, धो के यूज़ करना है ना। तो ऐसे 3 मैंने ले लिया है, 3 कलर, कलरफुल है, घर पे पहनने के लिए ठीक है। तो वैसे उसकी टी शर्ट, ये भी थर्ड प्रोडक्ट है। तो ये एक लेगिंग्स और एक टॉप का सेट है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये सब मैंने प्यू को पहना के दिखाया है, देख लिया है, चेक कर लिया है। तो इसका कुछ इस तरह से है, ये टॉप है, ओके, ये कुछ टॉप, तो ये कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है। और ये सिंगल लेयर नहीं है, डबल लेयर है। देखिए, एक अंदर से भी एक कॉटन कपड़ा दिया हुआ है, कॉटन का कपड़ा, बाहर वाला भी कॉटन है और ये भी कॉटन है। इसमें लाइनिंग वाली जो कॉटन आती है ना, वो है। तो ये भी सॉफ्ट है। तो इसका मार्क प्राइस 799 है, पर मुझे समथिंग 400 या 500 में मिला है। तो मैं दे दूंगी आपको उसका लिंक भी दे दूंगी, और इसका प्राइस कितना लिया है वो भी दे दूंगी। ये ऊपर का टॉप है, ये भी 2 to 3 years के ही है। और ये सेकंड है लेगिंग्स, ऐसा है, ये कुछ बांधने वाली है, यहाँ पर बांधने टाइप की। तो ये लेगिंग्स है, तो ये भी गर्मियों के लिए कहीं बाहर जाएंगे तो इसलिए मैंने इसको लिया है। तो ये एक है,
ये भी बहुत सॉफ्ट है, जैसे जेगिंस होती है ना, जेगिंस का मटेरियल वैसे ही है, एकदम लेगिंस जैसे पतला नहीं है, वो थोड़ा मोटा ही है और स्ट्रेचेबल टाइप की है, तो ये भी फिटिंग आ गया। थर्ड प्रोडक्ट, फोर्थ प्रोडक्ट ये फ्रॉक है। देखिए ये फ्रॉक कुछ इस तरह से है, बहुत ज्यादा घेर है इस तरह से है और ये कुछ इस तरह से है। तो ये 3-4 इयर्स का मैंने लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा साइज चाहिए था, क्योंकि इसके साइज के हिसाब से ना थोड़ा उसका फ्रॉक टाइट होता है, जो 2 से 3 साल में लेती हूँ, तो मैंने ये फ्रॉक थोड़ा बड़ा लिया है, बट ये साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है प्यू का। तो मैंने सोचा था कि ये जो है ना, दिख रही है आपको, स्ट्रेचेबल टाइप की है, यहाँ पर कमर में देखें ये गर्डर टाइप की लगी हुई है। हाँ, तो मैंने सोचा ये जो रस्सी है दिखाया है ना, वो बांधने टाइप की होगी, बट ये बांधने के लिए नहीं है, बस ऐसे ही सो के लिए है। ये बस दिख रहा है आपको, हुक सिलाई किया हुआ है अंदर से, नहीं स्ट्रेचेबल वाली बांधने वाली नहीं है, तो ऐसे ही है। तो मैं इसे कुछ दिन बाद पहनाऊंगी। ये कॉटन का कपड़ा है तो बहुत ही अच्छा है, और ये जो कपड़ा आप देख पा रहे हैं ना, एक लेयर नहीं है, दो दो लेयर का है। यस, इसमें 2 लेयर दिया हुआ है, एक अंदर कॉटन भी है और ये भी ऊपर वाला कॉटन है, बट ये लाइनिंग वाली कॉटन है। तो ये भी बेबी हग का प्रोडक्ट है, बेबी हग का प्रोडक्ट है, और इसका जो मार्क प्राइस 599 है, पर मुझे शायद 400 समथिंग में मिला था, तो मैं इसका भी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने कुछ 2 फ्रॉक लिए थे, पर वो मैंने रिटर्न दे दिए, क्योंकि वो 3 से 4 साल के लिया था, स्लीवलेस लिया था, बट वो कुछ ज़्यादा ही बड़े हो रहे थे, तो मैंने उसको रिटर्न में दे दिया है। और उसके क्वालिटी ना अच्छे थे, मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर फ़ोटो भी दे दूंगी, मेरी बेटी पहनी है और मैं उसको आपको फ़ोटो शेयर कर दूंगी। तो वो क्वालिटी वे में बहुत ही अच्छे थे, उस प्राइस में जो प्राइस था तो बहुत ही अच्छा था क्वालिटी में, बट क्या है, साइज़ के लिए मुझे रिटर्न करना पड़ा, 2 से 3 साल के लिए अवेलेबल नहीं। प्रोडक्ट है वो है एक टॉप, ये भी बेबी हग का ही है ये टॉप, तो ये मैंने जीन्स के साथ पहनने के लिए मैंने खरीदा है, तो एक जीन्स खरीदा है उसी के लिए मैंने ये टॉप सब खरीदे हैं। तो ये फर्स्ट आपको दिखा रही हूँ टॉप, तो ये टॉप कुछ इस तरह से है, पीछे बटन वाली है, ये इसका एज है 2-3 के लिए है, तो ये मुझे इसके एम्ब्रॉयडरी और ये इसका जो डिज़ाइन है ना, आजकल पहनते हैं ऐसे ही, तो इसी के लिए मैंने ये वाला लिया है। तो ये इसका प्राइस 499 लिखा हुआ है, पर मुझे 300 समथिंग में मिला है, तो प्राइस तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, अगर ये 200-300 के बीच मिलता तो अच्छा रहता है। कॉटन का है बट थोड़ा पतला है, थोड़ा पतला है और ठीक है गर्मियों के लिए, तो ठीक है पहनने के लिए। तो है ये प्रोडक्ट पूरा कॉटन है, सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, तो ये भी रेड कलर में मैंने लिया है, देखिए इसका डिज़ाइन में पीछे बटन दिया हुआ है, ये हाथ कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर ये स्ट्रेचेबल नहीं है, बस लाइनिंग दी हुई है। तो ये भी बेबी हग का ही प्रोडक्ट है, तो इसका प्राइस 399 है, पर मुझे 200 समथिंग में मिला है, तो इसके प्राइस के हिसाब से ना ये कपड़ा ठीक है, पतला है और सॉफ्ट है बहुत, कॉटन मटेरियल ही है, देख के लगता है कि ये है, बट है कॉटन मटेरियल, तो कुछ ऐसे हैं, तो इसका भी मैं सेटिस्फाई हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, ये सेवन प्रोडक्ट है, ये 7 प्रोडक्ट मैंने जीन्स खरीदा है, फ्यू 2 इयर्स 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है इसका, 2 साल 1 मंथ 2 इयर्स 1 मंथ, तो तब तक वो कभी जीन्स नहीं पहनी है, तो हमें लगा कि इस बार जीन्स उसके लिए खरीदना चाहिए। तो ये मैंने 2-3 इयर्स के लिए जीन्स खरीदा है, गर्ल्स का है, तो इसमें देखिए ऐसे कुछ काम किए हुए हैं, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, कुछ एम्ब्रॉयडरी काम नहीं है, ये भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है,
और इसका कलर आप बोल सकते हैं स्काई ब्लू है ना, उस टाइप का है। और पॉकेट रखी हुई है आगे इधर, और इधर एक छोटा तीन पॉकेट, और इधर तो, और ये जो पीछे है ना इलास्टिक टाइप का दिया है। तो मुझे तो लेंथ लग रहा है कि थोड़ा बड़ा होने वाला है प्यू को लेंथ वाइज, बट कमर का मुझे इश्यू लग रहा है, तो मैं इसको पहना के देखूंगी कि कैसा लगता है। तो ये कुछ इस तरह से है, और जीन्स का जो एंड है ना पैर की तरफ कुछ इस तरह से है। तो पॉकेट भी अच्छी है, और ये भी बेबी हग का ही प्रोडक्ट है, तो ये भी बेबी हग का ही प्रोडक्ट है। और इसका जो प्राइस था बता दूँ मैं आपको, 799 लिखा हुआ है, बट मुझे ये 500 समथिंग में मिला है। तो प्राइस के हिसाब से ये ठीक है, अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ। तो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो कुछ दिन बाद आया, जो टाइम था ना एक दिन बाद देती हूँ, वो ये ड्रेस है। तो ये एक जंपसूट हमने लिया था, तो जंपसूट ना ऐसे ही देखा था पर थोड़ा सा येलोइश और लग रहा था। प्राइस है ना वो है 499, और हमने इसे ख़रीदा 366। तो हमें लगा था मटेरियल थोड़ा मोटा होगा, और बाहर कैजुअल बाहर के लिए हम उसे पहना के लेके जा सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा पतला है। लुक वाइज तो थोड़ा स्टाइलिश आपको दिख रहा होगा, देखिए ये कुछ ऐसे बांधने का है, और बीच में इलास्टिक है, और ये पैंट है, तो ये एक जंप सूट है, ऐसे है कुछ, देख पा रहे हैं आप? हाँ, तो कुछ ऐसे है। तो पर जो मटेरियल वाइज है कॉटन है, बट कॉटन का एकदम पतला है, बहुत ही पतला कॉटन है। इसको अगर हम एक दो बार वॉश करेंगे ना तो ये पूरा एकदम घर के पहने लायक भी नहीं बचेगा ये। तो हम सोच रहे हैं इसको तो रिटर्न ही करें। तो मैं प्यू को पहना के आपको दिखा दूंगी कि कैसे लग रही है। तो ये मैंने 2-3 इयर्स के लिए लिया था, एकदम सेटिस्फाई नहीं हुए हैं प्राइस से भी, और सब प्रोडक्ट जितने भी हमने लिए हैं सब ठीक है, बहुत अच्छा है, बट प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। जो लोकल मार्केट से हम लोग खरीदते हैं वही प्राइस में थोड़ा कम में मिल सकता है, मिल जाता है। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट कुछ कुछ जैसे ये और एक दो जो मैंने कहा था ना टॉप, वो भी तो इन जो दो टॉप और ये टॉप के जो प्राइसेस है इन तीनों के थोड़े से हाई है, और क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं, बट बहुत ही कम यूज़ में ही पहन सकते हैं इसको। इस फर्स्ट क्राई के प्रोडक्ट से मैं खुश भी हूँ, कम से कम 70% खुश हूँ, और 30% कम खुश हूँ, क्योंकि इनके प्राइस कुछ कुछ तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा, ये व्यू पे कौन सा ड्रेस आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की हॉल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये वीडियो अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक जो सब्सक्रिप्शन है ना मुझे मोटिवेट करता है कि और अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए बना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने रिश्तेदारों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए। तो आप सब इस पेंडेमिक सिचुएशन में स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।